तो आज हमने देखना है नर्वस सिस्टम को बेसिक से हम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हम न्यूरो एनाटॉमी न्यूरो साइंसेस का पूरा मॉड्यूल कवर करेंगे। सो नर्वस सिस्टम में हमें पता है कि दो टाइप्स आ जाती हैं, वन इज़ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्दर डिवीजन होती है तो हमारे पास आ जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे, जो मैं डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, इसमें ये ऊपर ब्रेन पर आवा है सारा, ठीक है, और यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ, ये क्या है, दिस इज़ एक्चुअली अ फोर ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेंसेफलॉन। यहाँ पे ये जो ब्लू में स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा हुआ है, दिस इज़ ऑन मिड ब्रेन जिसे हम मेसेंसेफलॉन भी कहते हैं। और ये जो है ना हमारे पास, ये सेरिबेलम पर आवा है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज पोन्स एंड मेडुला। यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ ऑन हाइंड ब्रेन जिसे हम क्या कहते हैं, रोमन सेफलॉन। ठीक है, और ये नीचे कंटिन्यू करता है एज स्पाइनल कॉर्ड। दिस वॉज अ सेजिटल सेक्शन। अगर हम साइड से देखें किसी बंदे की, साइड भी कौन सी, लेट्स सपोज किसी शख्स की राइट साइड पे खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको एंटीरियर साइड पे देखेंगे कि पोन्स एंड मेडुला पड़ा है और पोस्टीरियरली सेरिबेलम पड़ा हुआ है। और अगर हम देखें एंटीरियरली हमारे पास कैसे फिगर बनेगी, अगर किसी बंदे के एंटीरियर सरफेस से हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास ब्रेन आ जाएगा। ब्रेन से नीचे ये जो बॉल्स सी पड़ी हैं, दिस आर एक्चुअली आवर टू थैलामाई। थैलामाई से नीचे हमारे पास ये मिड ब्रेन की कैविटी आ जाती है। मिड ब्रेन के नीचे कंटिन्यू कर रहा होता है पोन्स एंड मेडुला। अब ये जो साइड पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना इन द ब्लू, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली सेरिबेलम। सेरिबेलम ये साइड पे नहीं होता, दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट पोस्टीरियर टू पोन्स एंड मेडुला। और ये साइड पे ऐसे क्यों नज़र आ रहा है कि एक्चुअली सेरिबेलम इज़ अ बॉल शेप स्ट्रक्चर, आगे इसके पोन्स एंड मेडुला पड़े होते हैं, आगे पोन्स एंड मेडुला पड़े हैं और सेरिबेलम पीछे ऐसे बॉल शेप स्ट्रक्चर पड़ा है। तो अब होगा क्या कि जो सेरिबेलम पोन्स एंड मेडुला के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है वो तो कवर हो गया, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, साइड पे से हमें सेरिबेलम के दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो होता यह है कि सेरिबेलम इज अ बॉल शेप स्ट्रक्चर, पोन्स एंड मेडुला इंटीरियरली पड़े हुए हैं, इसलिए वो कुछ बिल्कुल साइड से नज़र आ रहे हैं जहाँ पोन्स एंड मेडुला नहीं पड़े हुए। और नीचे ये कंटिन्यू कर रहा है विद द स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक डिवीजन है, नेक्स्ट डिवीजन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें, ये एक सिंपल सी डायग्राम से शुरू करते हैं पहले समझने के लिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंसरी इनपुट जो है वो हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन आती हैं फ्रॉम द, हमारे पास कह सकते हैं कि स्किन सरफेस, या फ्रॉम द आईज, फ्रॉम द हेयर, ईयर्स, फ्रॉम नोज। सेंसरी इंफॉर्मेशन कहीं से भी हमारे पास आ रही है वो जाती है टुवर्ड्स दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। वहाँ पे जाके क्या होता है कि इंफॉर्मेशन गई, वहाँ स्टोर भी होती है, स्टोर होने के अलावा उसकी प्रोसेसिंग होती है, और जो न्यू इंफॉर्मेशन गई है डेट इज़ कंपेयर्ड एंड कंट्रास्ट विद द प्रीवियस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, एंड अकॉर्डिंगली न्यू रिस्पॉन्सेज आर जनरेटेड जो कि फिर आउटवर्ड मूव करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक्ट करते हैं टू द इफेक्टर्स जाके। ठीक है, अब वो फाइबर्स जो पेरिफ्री से या ऑर्गन से सिग्नल्स लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस सिग्नल दे रहे हैं, लेके आ रहे हैं बाहर, जो मोटर इफेक्ट्स को जनरेट कर रहे हैं, ये सिग्नल्स लेके जाने वाले और वापस लेके आने वाले फाइबर्स, दिस एक्चुअली कंस्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे फर्दर डिवीजंस आ जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं। वन इज सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड अदर इज मोटर नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, सेंसरी वो होगा जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा टूवर्ड्स CNS, और मोटर अवे फ्रॉम द CNS जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा डेट इज़ द मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें तो उसका पाथवे क्या होगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन ये देखें जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वहाँ इसकी प्रोसेसिंग होगी और न्यू रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे, और वो इंफॉर्मेशन आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कहाँ पे जाएगी, फिर ये मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और वहाँ से वो फिर बॉडी की मूवमेंट्स और हर चीज़ को कंट्रोल कर रही होगी। ठीक ना, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिवीजंस देख लेते हैं हम।
टाइप्स देख रहे थे सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, स्पेशल सेंसेशंस एंड जनरल सेंसेशंस। इनको देखने से पहले हम बेसिकली देख लेते हैं सेंसेशंस क्या होता है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ अ सेंसरी स्टिमुलस और चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सेंसेशन की डेफिनेशन हो गई। अब सेंसेशंस दो तरह की होती हैं हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वन इज स्पेशल सेंसेशन एंड अदर्स आर जनरल सेंसेशंस। स्पेशल सेंसेशंस कौन सी होती हैं जो हम किसी स्पेशल या स्पेसिफिक ऑर्गन से फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं, कान से नहीं या नाक से नहीं। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल जो है वो हम अपने नोज़ के थ्रू महसूस कर सकते हैं, आंखों या कानों से नहीं। उसी तरह टेस्ट हम सिर्फ ज़ुबान से महसूस कर सकते हैं। जो टंग है हमारे पास उस जनरल में भी उसके फंक्शंस आते हैं और स्पेशल में भी आते हैं। जनरल तो यह है कि हमारी ज़ुबान पे लेट्स पोस अगर हम फिंगर रखेंगे तो हमें टच महसूस होगा। तो हमें टच तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में फील हो सकता है ना, यहाँ पे हाथ पे पाँव पे कहीं भी टच करेंगे एक ही सेंसेशन जाएगी टच की। लेकिन टेस्ट की सेंसेशन सिर्फ टंग के थ्रू जाती है, तो ये स्पेशल सेंसेशंस में आ जाएगा। और हियरिंग हम सिर्फ अपने कान से सुन सकते हैं ना। जनरल सेंसेशंस आ जाती हैं, ये फर्दर डिवाइड हुई भी होती है इंटू सोमेटिक एंड विजुअल सेंसेशंस। जनरल सेंसेशंस मतलब जो बॉडी के किसी ऑर्गन में भी ओरिजिनेट कर सकती हैं उसमें। अब सोमेटिक सेंसेशंस क्या हैं? सोमेटिक सेंसेशंस एज फॉर सोमेटिक एज फॉर स्किन, ये बेसिकली स्किन से रिलेटेड होती हैं। तो स्किन या क्यूटेनियस एरिया से जो भी सेंसेशंस जा रही होंगी हमारे पास, लेट्स सपोज किसी एरिया पे हमने टच किया तो वहाँ से जो सेंसेशंस चाहेंगी दीज आर द सोमेटिक सेंसेशंस। और जो लोकोमोटिव सिस्टम है ना हमारा, प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम जो कि लोकोमोशन से रिलेटेड है, वो भी हमारे पास सोमेटिक सेंसेशंस में ही आ जाता है। एंड नाउ विजुअल सेंसेशंस बेसिकली विजरा से आ रही होती हैं जो कि हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के। और विजराज में जब पेन ओरिजिनेट होती है ना, डेट इज़ बेसिकली डल पेन, शार्प पेन नहीं होती। ओके, डल पेन आ जाएगा इसमें। और फिर डिस्टेंशन मतलब कि जब एब्डोमिनल ऑर्गन्स ज़्यादा फील हो जाते हैं उसकी डिस्टेंशन के जो सिग्नल्स हैं वो भी हमारे पास सेंसेशंस जाती हैं, वो जनरल सेंसेशंस में आ जाती हैं। नाउ ये सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, अब हम मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखेंगे। तो मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास फर्दर दो डिविजन्स आ जाती हैं, सोमेटिक या वॉलेंट्री मूवमेंट्स या मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ऑटोनोमिक या इनवॉलेंट्री पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वॉलेंट्री या सोमेटिक मोटर सिस्टम नेम एविडेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल आप चलते हैं तो आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट होती है, अगर आप बैठ रहे हैं उठ रहे हैं कोई भी आप काम कर रहे हैं, डेट इज़ वॉलेंट्री, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ ऑटोनोमिक या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो कि आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल योर रेस्पिरेशन रेट, योर ब्रीदिंग रेट, योर हार्ट रेट, आप किसी हद तक उन्हें शायद कंट्रोल कर सकें विथ ट्रेनिंग, अदरवाइज ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। अब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स या ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फर्दर टू डिवीजन्स आ जाती हैं हमारे पास, सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक डिवीजन्स। सिंपथेटिक डिवीजन में क्या होगा कि दिस इज एसोसिएटेड विद दी इमरजेंसी और सिचुएशंस, और इसे हम फाइट फ्लाइट सिचुएशन भी कहते हैं, उसी में ये एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने सामने कोई कुत्ता देख लिया बड़ा, आपका वहाँ से क्या करेंगे, कुत्ते से दूर भागेंगे। अब भागना कुत्ते से दूर या उसके पास वो आपके बस में है, दैट इज़ वॉलेंट्री, ठीक है। लेकिन आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, दैट इज़ इनवॉलेंट्री, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, अब सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक है। सिंपथेटिक तब इंक्रीज होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सिंपथेटिक सिस्टम, जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज करेगा, ऑल दैट। और GIT जो है ना हमारे, GIT वो इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा खाना खाना हजम करना ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह पैरासिंपथेटिक, अब पैरासिंपथेटिक रिलैक्स्ड सिचुएशन से रिलेटेड है, तो इसमें हार्ट रेट, ब्लड फ्लो ये सब नॉर्मल होगा या स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन जो हमारी GIT की मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी कि सब कुछ ठीक है, आराम से खाओ पियो हजम करो, ये रिलैक्स सिचुएशन में रिलीज होता है, ठीक है, यह एक्टिव हो जाता है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट सेकंड होगा, इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.